सिकंदरी स्थिति में है, ये उनकी कदर निशानदारी को जरूर समझ में आते हैं। सत्य सिकंदरी ये आपकी किताब है, इस सत्य सिकंदरी के अंदर अब्दुल रहीम सिकंदरी जो आपकी सिंध का मौलवी है, प्रेमी है, इसने खुद लिखा है यही बात कि हुदबत हैरान देवबंदियों के नजदीक मोतबर किताब नहीं है। हमारे नहीं मानते अपनों की मानते, हमारी तरफ ऐसी किताबों को मंसूर करके हमारी तरफ गलत अकायद को मंसूर कर रहे हैं। खुदा से भी नहीं करते, खुदा से जब जाते तो ऐसी पत्तियां कभी ना। इसके बाद ये मेरे पास इनका बुकलेट है, इसकी तीसरी बात ये पेश की है कि शैतान और मलकुल मौत का इलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलम से ज्यादा है। बराही ने कहा क्या सवा 51, शैतान और मलकुल मौत का इलम नबी के इलम से ज्यादा है। शैतान का इलम नबी से ज्यादा है। हम ज़ाहिर है जब आवाम को ये लोग ये बात पेश करेंगे तो आवाम को पेश में आ जाएगी, वो कहेंगे नौज बिल्लाह सुभान रसूलुल्लाह, तो नबी कहते हैं कि आवाम शैतान का इलम नबी से ज्यादा है, ये तो बड़े मुस्तफा हैं। आवाम पेश में आ जाएगी तो जो है वो लोग हम बात को कबूल नहीं करेंगे, लोग इनके साथ उठना बैठना छोड़ देंगे और हमारे नजरानों का एकदम लंबा सिलसिला चल जाएगा। हमारे पास क्या जाएंगे, लोग बोलेंगे जब वो गलत है तो बिल्कुल नहीं सही हुआ। मेरे पास क्या ब्राहिम कादिया मौजूद है जिस किताब से इसने इबादत पेश किए, और मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि अगर इनसे पूछ लिया जाए और कसम खिलवा के पूछ लिया जाए और अमानत और इंसाफ में होगा तो ये आपको कसम खा के बताएंगे कि इन्होंने ये किताब कभी देखी नहीं। जिन किताबों के हवाले पेश किए हैं वो किताब मैंने कभी देखी नहीं होगी। शैतान का इलम नबी से ज्यादा, हमारे काफिर इसको तस्लीम कर सकते हैं, वो हजरत की किसी और किताब से नहीं। ये भी बराहीन कातिया मेरे पास मौजूद है, मैं इसी बराहीन कातिया से ये बात पेश करता हूँ कि मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह शैतान का इलम नबी से ज्यादा मानते हैं या नहीं मानते, ये देखें। हजरत फरमाते हैं अपना नहीं अदना मुसलमान के बारे में फरमाते हैं कि कोई अदना मुस्लिम भी फख्र आलम अलैहिस्सलाम के तकर्रुम व शर्फ कमालात में किसी को आपका मुआसिल नहीं जानता। अगर फरमा रहे हैं कि कोई अदना मुसलमान भी किसी भी कमाल में किसी को भी नबी के बराबर भी नहीं समझ सकता। जब कोई अदना मुसलमान भी नहीं समझ सकता और नबी के बराबर नहीं समझ सकता तो ये इमाम मुसलमानों का पेशवा मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ये कैसे इस तरह की गलती करेंगे। लेकिन आवाम की आंखों में धूल झोंकती थी और धूल झोंकी तो उसामा हरमैन कहाँ है, उसामा हरमैन ये मेरे ये अल मुहम्मद अल मुफद्दत ही मेरे पास मौजूद है। ये मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह की अपनी किताब है और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब के अंदर सफर नंबर 46 में अपने इसी मसले की यहाँ भी बताया कि ऐसा अकीदा मैं कभी नहीं रख सकता कि ऐसा अकीदा हमारा नहीं है कि हम शैतान को या नबी के अलावा किसी को भी नबी से बड़ा आलम करार दें, ये हमारा अकीदा नहीं है। ये सफर नंबर 46 है, इस किताब का आप अवतार देख सकते हैं, ये निशान है। हम फरमाते ऐसा नहीं फरमाते हैं और हमारा यकीन है कि जो शख्स ये कहे कि फलां शख्स नबी से आलम है, नबी से ज्यादा इलम रखता है, वो काफिर है और हमारे हजरात इस शख्स के काफिर होने का फतवा दे चुके हैं। जो यूं कहे कि शैतान मलऊन का इलम नबी से ज्यादा है वो क्या है, ये कौन फरमा रहे हैं, मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी जिनकी बराही है कातिया है। वो बराही है कातिया का मुसन्निफ इस तरह की बात लिख रहा है कि मैं तो जिसको नबी से जो किसी का भी इलम ज्यादा माने, शैतान का इलम ज्यादा माने, मैं ऐसे को काफिर कहता हूँ। और ये कहते हैं कि नहीं जी ये उनके लिए पेशवा का यकीदा है। खुदा से डर अगर होता तो कभी ऐसा ना कर, लेकिन खुदा का डर भी खत्म हो चुका है तो इंसान क्या कर सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात पेश करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं आगे बात पेश करने से पहले। किसी बस्ती के अंदर लोग रहते थे, उन सबके नाम नकटों का शहर था, तो उन्होंने किसी टाइम देखा कि दूसरे बस्ती से कोई नाक वाला उनकी बस्ती में आया। इन्होंने आपस में मशवरा किया कि अगर ये नाक वाला हमारी बस्ती में दाखिल हो गया ना तो इसने हमारा जब देखेगा कि नाक नहीं है ये हमें देवदार समझेगा, हमें बुरा समझेगा, हमें गंदा समझेगा, लिहाजा इससे कोई तरकीब ऐसी बना देंगे इससे बचाए। उन्होंने कहा कि मशवरा हो गया, जैसे ही नाक वाला बस्ती के करीब आया सब ने शोर मचा दिया, नाकू आ गया, नाकू आ गया, नाकू आ गया, यानी नाक वाला आ गया, नाकू वाले तो भी नाक वाले थे जी, नाकू आ गया नाकू। उन्होंने जैसे ही नाकू नाकू का शोर मचाया तो नाक वाला अपनी नाक पे हाथ रख के वापस भाग गया। कुछ दिन का शायद ये नाकू ये बोल रहे
न कटा होना एक नहीं, क्या होना एक, उन्होंने नाक होने को एक बना दिया। अब इन्होंने भी यही काम किया, इन्होंने कहा इनको पता था कि अगर उलमाए देवबंद थोड़े से भी हमारी तरह मनोरंजी हुए ना, हमारी सारे के चेहरों से कपड़े हटाकर लोगों के सामने खड़ा कर दिया। इन्होंने कहा शोर मचाओ, पहले से ही हमारी गुस्ताखियां कई लोगों के सामने ना आ जाए, चिल्लाओ देवबंदी गुस्ताख, देवबंदी गुस्ताख, देवबंदी, ताकि जैसे हम ये बोलेंगे ये अपनी बातों में लग जाएंगे, हमारी गुस्ताखी छोड़ जाएंगे, हमारा एडम छुप जाएगा। लेकिन इनको पता नहीं, इनको पता नहीं है कि जो लोग, जिन लोगों को ये गुस्ताख कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इनकी इतनी किताबें पढ़ी है कि इनकी अपने भी इनकी इतनी किताबें नहीं पढ़ी, अपनी किताबें भी नहीं पढ़ी होगी जितनी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनकी किताबें पढ़ी। और हम बताते हैं कि नबी से ज्यादा शैतान का इलम या किसी और का इलम कौन मानता है। अभी आपके सामने ये मेरे पास किताब है खालिसुल एतिकाद, ये किताब एम रजा खान की है, प्रेमियों का आला हजरत। कहते हैं कि जी आला हजरत दुख का बराबर खता करें खुदा ने नामुमकिन फरमा दिया, आला हजरत एक कुत्ते के बराबर की गलती नहीं कर सकते थे। इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा है, ये किताब मेरे पास। कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलम औरों से जाहिर है, इबलीस का इलम माजल्ला इल्म अक्दस से हर किस वसीता नहीं। वसीका नहीं का मतलब था, वसीका एक होता है वसी, एक होता है वसीका, वसी का मतलब है कुशादा ज्यादा, वसीका का मतलब है बहुत कुशादा बहुत ज्यादा। ये कहता है शैतान का इलम नबी से बहुत ज्यादा नहीं है, क्या मतलब है, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा तो मान रहा है ना। जैसे मैं किसी को ये मिसाल में कहूं कि तू तेरा पेट बहुत बड़ा नहीं है, क्या मतलब है, थोड़ा सा बड़ा तो है ना। कहते शैतान का इलम नबी से बहुत ज्यादा नहीं, यानी थोड़ा सा ज्यादा है। अब सवाल ये पैदा होता है शैतान का इलम कौन ज्यादा मान रहा है, शैतान का इलम और अनवारे साध्या के अंदर, अनवारे साध्या के अंदर मौलवी अब्दुल सनी रामपुरी ये ब्रेटो का आलिम है, उसकी ये किताब है अब्दुल सनी रामपुरी की अनवारे साध्या। इस अनवारे साध्या के अंदर मौलवी अब्दुल सनी रामपुरी क्या लिखता है, कहता है असहाबे महफिल की रात को जमीन की तमाम जगह पाक और नापाक मजाली से मजहबी और गैर मजहबी में हाजिर होना रसूलुल्लाह का दावा नहीं करते। सुनो मलकुल मौत और इब्लीस का हाजिर होना इससे भी ज्यादा तर मकामात पाक नापाक कुफर गैर कुफर पाया जाता है। कहता है कि नबी तो बाद जगहों पर हाजिर नाजिर होते, शैतान नबी से भी ज्यादा जगहों पर हाजिर नाजिर होता है, नबी से भी ज्यादा जगहों पर हाजिर नाजिर होता है। कहते जी तुम शैतान को, कहते नबी को हाजिर नाजिर मानो, नबी का कमाल है और देवबंदी कमाल के मुमकिन है। देखो अगर कमाल है तो वो कमाल को तुमने शैतान ने ज्यादा मान लिया, फिर तो इसका मतलब है कि तुम्हारे नजदीक शैतान नबी से भी नौजुबिल्लाह ज्यादा कमाल है। और ये हमारे पास दूसरी किताब शैतान के क्या, हमारे बारे में कहा कि ये कहते हैं शैतान का इलम नबी से ज्यादा है, ये कहते हैं ना। मैं आपको बता दूं कि ये कहते हैं ब्रेवी, कहते हैं ये किताब इनकी मालिकुल तकरीर, ये ब्रेवियों का मौलवी है हकीमुल उम्मत, ब्रेवियों का हकीमुल उम्मत तो ये ना क्या गुजरा थी। इसकी किताब है मालिकुल तकरीर, इस किताब में उसने लिखा है कि शैतान हजरत आदम अलैहि सलाम का उस्ताद था। मैं आपसे पूछता हूँ उस्ताद ज्यादा बड़ा आलिम होता है कि इसकी शागिर्द, आप जोर से कहते हैं अगर आप लोगों को सुस्ती तो चाहे बता दें जोर से कहते हैं ज्यादा इलम किसका होता है, शैतान हजरत आदम का उस्ताद, ये मालूम तकरीर में लिखा हुआ है। तो किसका इलम ज्यादा माना, शैतान का इलम ज्यादा माना। मैं इबारत पढ़ के आपको सुना दूं, कहते दूसरी तफसीर की बिना पर आयत का मकसद ये होगा कि हम कुदरत वाले हैं जिसने मादी आलम से हजरत आलम से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और सारे नूरियों का इन्हें खलीफा बनाया और पैदा फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और कहते हैं पैदा फरमाते ही इन्हें तमाम नामों का इल्म दिया और वो फरिश्ते और इब्लीस जो लाखों बरस से थे इन्हें इस नई मखलूक का उस्ताद बना दिया। शैतान को नई मखलूक कौन थी, आदम अलैहिस्सलाम ना, इसका उस्ताद बना दिया। ये तो शैतान को हजरत आदम का उस्ताद बोले फिर भी माशाल्लाह से हट्टे कट्टे सुन्नी आशिक सुन्नी, और हम ना बोले फिर भी हम उस्ताद हैं, हम खूब भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर जाए तो चर्चा नहीं होगा, वो कत्ल भी कर जाए तो चर्चा नहीं होगा, उन्हें सब कुछ की इजाजत है, वो कुछ भी बोल दे। मैंने इसलिए कहा कि अपनी गुस्ताखियां छुपाने के लिए नाज़रीन ने अहले सुन्नत वल जमात
हर चीज पर कब्जा करने की कोशिश है, अहले सुन्नत के नाम पर कब्जा करने की। हम अहले सुन्नत। लेकिन अहले सुन्नत के चेहरे से जब पर्दा हटते ना, जो अपने आप को अहले सुन्नत कह रहा है, होता नहीं उसके जब चेहरे से पर्दा हटते हैं तो पता चलता है नहीं चेहरे सुन्नत है कौन। बात समझा नहीं, मिसाल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि उस मिसाल को अपने मुमसल लोगों से पूरी मुनासबत हो। एक मिसाल आपको बताऊँ, एक गदर था किसी बस्ती के, उसको कहीं मरे हुए शेर की खाल देनी, उसने जैसे ही खाल देनी तो अब जो भी गिदड़ भी उसको दे के भाग जाए, लोमड़ी दे के भाग जाए, गदर बड़ा खुश हुआ कि जी मैं तो मुफ्त में शेर बन गया, न मुझे किसी ने जो है वो हरे चश्मे लगाए, मुझे किसी ने कोई इमारत दिया, तरबत दिया, मैं मुफ्त में शेर बन गया। अब जनाब वो शेर वो गदर जो है वो गली गली जाता, जहाँ गिदर चार बैठे थे उनके बीच में खड़ा जाता वो भाग जाते, जहाँ चार लोमड़ियां बैठी उनके बीच में खड़ा जाता वो भाग जाते, सारे भाग जाते। एक दिन गदर और फिर गदर ही होता है, एक दिन बिचारा दो दिन इस तरह गुजार लिए, उनके लगा वो अपनी सुरीली आवाज की जरा इनको सुना दी, उसने जैसे अपनी सुरीली आवाज सुनाई तो सारे जानवर उसके पीछे पड़ गए। गदर किंतु इसके तो चमड़ी उड़ी हुई है शेर की। मैं भी इन लोगों से कहता हूं, खुदा अहले सुन्नत बन जाओ, अहले सुन्नत का सिर्फ लिबास मत रखना, बन कर दिखाओ अंदर से भी अहले सुन्नत हो या नहीं, बन कर दिखाओ अपने आप को, अंदर से अहले सुन्नत नहीं बना सके। और फिर कहते जी देखो भी अहले सुन्नत नहीं है, देखो भी अहले सुन्नत नहीं है, जो सुन्नत बनाना करे वो अहले सुन्नत नहीं है। और खुद कहते हैं जी हम तो बिदअत को कायम करते हैं, इसलिए कि नबी ने हमें बिदअत को कायम करने की इजाजत दी है, तो फिर तो मेरे बिदअत हुए ना, सुन्नत को भाई बिदअत और सुन्नत आपस में मुकाबले में टकराव हुए आपस में, जो अहले सुन्नत को वाले बिदअत नहीं। इसके बाद उन्होंने जो हवाला पेश किया है वो ये है कि कहते हैं कि जी देखो देवबंदियों ने लिखा है कि अल्लाह ताला के नबी को अपने अंजाम और दीवार के पीछे का भी इलम नहीं है। ये किसका अकीदा है? देवबंदी वहाबी तबलीगी का अकीदा क्या है कि नबी को दीवार के पीछे का इलम है? ये हमारा अकीदा है, हमारी तरफ मंसूब कर रहे हैं। हालांकि ये इबारत मौलाना खलील अहमद साहब ने इब्राहिम काते में नकल की है और लिखा है कि ये नहीं कहा मैं कह रहा हूं, उन्होंने कहा शेख अब्दुल हक मकदूम।